हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर किसी भी कारण की वजह से, पायरिया की वजह से या फिर एज के अनुसार आपके अगर मुंह में कोई भी दांत नहीं है, सारे दांत निकल गए हैं और आप ढूंढ रहे हो कोई भी ऐसा सस्ता तरीका जिसकी वजह से आपकी जो स्माइल है या फिर आपके जो खा सको आप इजीली, ऐसा कोई तरीका, क्योंकि एक तरीका होता है इम्प्लांट का जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, हर कोई पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक और भी सस्ता ऑप्शन जो सब लोगों के पास ईजिली जो है अवेलेबल रहता है। तो चलिए, ये सस्ता तरीका देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है। अगर आप भी अपना इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे पास ये पेशेंट आए थे, इनके जो सारे दांत गिर गए थे वो एज के अकॉर्डिंग गिर गए थे, साथ में ही इनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई था, तो हम लोग इम्प्लांट में नहीं कर सकते थे, इम्प्लांट इनको नहीं लगा सकते थे, और साथ में इनका हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने इनको सीडी का ऑप्शन दिया। सीडी यानी कंप्लीट डेंचर, जिसमें डेंचर के ऊपर जो है हम लोग कंप्लीट जो है वो दांत लगाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पेशेंट जो है कि किस तरीके के दिख रहे थे हमारे पास, जब उनके मुंह में कोई भी दांत नहीं थे हमारे पास, वो किस कंडीशन में आए थे। तो जैसा कि आपने देखा, इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आए थे, इनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, साथ में इनकी रिज जो थी वो भी बहुत कम हो गई थी। कई बार क्या होता है, जब हम दांत निकलवाते हैं तब हमारे दांतों के नीचे की हड्डी काफ़ी अच्छी रहती है, बट अगर हमने दांत नहीं लगवाए हैं कुछ समय तक तो धीरे धीरे वो हड्डी है वो कम होने लगती है, उसकी हाइट जो है वो बहुत कम हो जाती है। अगर आपको बहुत अच्छा रिटेंशन मतलब आपका जो डेंचर है, यानी हम जो बत्तीसी आपको बना के देते हैं वो आपकी रिज पे ही टिकती है, यानी आपके जो मसूड़ों की हड्डी होती है उन्हीं पे ही टिकती है। अगर वो जितनी अच्छी होगी, यानी जितनी हाइट की होगी, उतना अच्छा आपको रिटेंशन मिलेगा, उतना अच्छा आप जो है उससे चबा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वो बार बार नहीं गिरेगा। जैसे काफ़ी पेशेंट्स का कंप्लेन रहता है कि हमारी सीढ़ी बहुत जल्दी निकल रही है, जिन लोगों का जो हड्डी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पेशेंट के साथ भी यही इशू था कि इनकी हड्डी जो है वो बहुत कम थी, और फिर भी हमने इनको सीडी का ऑप्शन दिया। पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव थे, इन्होंने बोला हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सीडी का फैसला लिया। उसके बाद में इनका नाप गया, इनके ट्रायल्स हुए, ट्रायल होने के बाद में हमारे पास इनका जो है कंप्लीट डेंचर रेडी होके आ गया। तो जैसे ही ये कंप्लीट डेंचर जो है मेरे पास रेडी होके आया, उसके बाद में हमने पेशेंट को अप्लाई किया, पेशेंट को डेंचर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पेशेंट जो है इससे आराम से बात भी कर पा रहे थे, डेंचर्स भी उन्होंने खुद से लगाना सीख लिया था और वो आराम से बोल रहे थे, तो डेंचर गिर नहीं रहा था। डेंचर का रिटेंशन जितना हमने सोचा था उससे भी काफ़ी जो है अच्छा रिटेंशन डेंचर का आया था, और हमारे पेशेंट जो थे वो काफ़ी खुश थे। चलिए पेशेंट का वीडियो देखते हैं कि वो किस तरीके से जो डेंचर था उसको यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अपने जो डेंचर है वो खुद से सेट कर रहे हैं, लोअर वाला डेंचर भी खुद से सेट कर रहे हैं, और अब ये अपर वाला जो डेंचर है वो भी खुद से सेट करेंगे। हर पेशेंट को डॉक्टर से सीख के जाना चाहिए कि अपर एंड लोअर जो डेंचर है वो किस तरीके से वो घर जाके जो है लगाएंगे, इसकी केयर किस तरीके से करनी है और इसको किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिस में लेके आना है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो पेशेंट थे इससे बात भी कर रहे थे, डेंचर खुद से भी लगा रहे थे। काफ़ी पेशेंट्स को ये इशू रहता है, कई बार क्लिनिक्स पे हम लोग एक बार डेंचर लगा देते हैं, बट क्लिनिक्स पे जो है हम लोग हमारे पेशेंट को डेंचर पहनना भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको घर पे जाके खुद से डेंचर पहनना है, या फिर आप अगर बात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किस तरीके से बात करनी है, ये भी हम हमारे पेशेंट्स को सिखाते हैं, किस तरीके से चबाना है, ये सारी जो है हम लोग उनको सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वो घर पर जाके कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो, कोई भी इश्यू उनको ना हो। अगर आप भी अपना कहीं से भी आप कंप्लीट डेंचर का एक ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर ये जानें कि किस तरीके से आपको उसको लगाना है, किस तरीके से आपको उसकी केयर करनी है, और साथ में आप किस तरीके से उससे, अगर आपको बहुत अजीब लग रहा है या आप उससे बोल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, उसी के बाद ही आप अपना कंप्लीट डेंचर का ट्रीटमेंट को कंप्लीट करवाएं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।